वो अपने गुरु की सौगात मानता था। इस ईंट के अलावा उस फकीर के पास था सिर्फ ये पानी का मटका और कुछ भी नहीं। ये है उस फकीर की पवित्र धूनी। इस धूनी की विभूति के चमत्कार का न जाने कितने भक्तों ने अनुभव किया है। वक्त बीतने के साथ इस फकीर का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा और दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर इस मस्जिद में आने लगे। उस फकीर ने अपने इस दर का नाम रखा द्वारका माई, माई यानी माँ, और उस माँ ने फकीर को ममता के आंचल में हमेशा के लिए बसा लिया। और आज जब आप उसी द्वारका माई में आए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि द्वारका माई का वो बेटा आपको न मिले। आस न कोई प्यास न कोई जो माना था इस जीवन में, आके तुझे ही पाया है। जब भी यह कोई सच्चे मन से आता है तो उससे मिलने में जरूर आता हूं। जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है उसके बुलाने पर तो साहिब को आना ही पड़ेगा। बाबा, आपने हमेशा श्रद्धा और सबूरी की बात की, उसका मतलब क्या है बाबा? श्रद्धा और सबूरी को समझना बहुत ही आसान है। ये हमारे मन में ही होते हैं। जैसे श्रद्धा का मतलब है यकीन यानी विश्वास, अल्लाह मालिक या अपने गुरु पर यकीन करना, उसे सच्चे दिल से मानना, यही श्रद्धा है। और सबूरी? सबूरी सबर को कहते हैं, जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सबर करो, क्योंकि सबर करने वाले को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है, क्योंकि वो सबका मालिक है। किसके दिल में क्या है वो सब जानता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, गरीब को सहारा दो, क्योंकि वो ऐसे नेक कामों को अपनी खुद की 100 बार की इबादत से भी बहुत ज्यादा बड़ा मानता है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे दिल की अच्छाई तुम्हारी बुराई पर जीत पाएगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, जिससे भगवान को भी खुशी मिलेगी और साईं को भी। बाबा, आपसे एक सवाल पूछना था। पूछूं? हे ठीक हो, जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हो। बाबा, आपके करोड़ों होते हैं, लेकिन आपको उन सब में से सबसे प्यारा कौन है? ये कैसा सवाल पूछ लिया? जैसे एक माँ को उसके सभी बच्चे प्यारे होते हैं,
वैसे मुझे भी अपने सभी भक्त प्यारे हैं। लेकिन हाँ, वो छोटी सी मासूम बच्ची याद है, लक्ष्मी नाम था उसका, मुझे याद है। दिवाली की रात लक्ष्मी आई थी यहाँ और अपने साईं की द्वारका माई में अंधेरा देख बेचैन हो गई। वो अपने साईं के घर को रोशन करने के लिए गांव वालों से तेल मांगने चली गई, पर किसी ने उसे तेल नहीं दिया। लेकिन उसके मन में इतनी श्रद्धा थी, तेल से जलने वाले दिए पानी से जलाते, क्योंकि उसने जो किया वो खुद के लिए नहीं, अपने साईं की द्वारका माई को रोशन करने के लिए किया था। आज हम सभी लोग उसी श्रद्धा और मोहब्बत के साथ मेरे पास आए, इसलिए उस दिवाली की रात उस लक्ष्मी की जिंदगी जैसे रोशन हुई मोबाइल से फोटो लो आप, उसी तरह आप सब लोगों की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए इसकी फोटो लो ना, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है ना, फोटो लो ना। अल्लाह हमारे।